तो होंडा की जो हॉर्नेट बाइक है जो 160 cc में इसका इंजन आता है, इसको 5 गियर है। तो इस बाइक का हम रियल माइलेज टेस्ट करेंगे। इसके लिए हम 100 ml पेट्रोल का यूज़ करेंगे। तो 100 ml में जो गाड़ी जाएगी उसका 10 गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लीटर का माइलेज एवरेजली हमको पता चलेगा। तो हमने कार्बोरेटर का पेट्रोल एंड किया है और कार्बोरेटर की पाइप देख सकते हो निकाल ली है। तो मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कार्बोरेटर का पेट्रोल एंड हो गया है कि नहीं। स्टार्ट मार। तो देखो तो गाड़ी का पेट्रोल कार्बोरेटर का खत्म हो रहा है, गाड़ी ऑफ हो जाएगी। अभी मैंने कार्बोरेटर का पाइप निकाला है। तो दोस्तों कार्बोरेटर का पेट्रोल पूरी तरह से एंड हो गया है। अब हम ट्रिप मीटर को जीरो करते हैं। तो देखिए ट्रिप मीटर को जीरो करने के लिए इसको हम दबाते हैं। तो आप गाड़ी का रीडिंग देख सकते हो 1207 किलोमीटर है। तो यहाँ से 5 किलोमीटर गाड़ी आगे जाती है तो 50 का माइलेज मिल जाएगा। तो 1207 मीटर है, उसके आगे हम गिनेंगे। तो 1207 किलोमीटर से हम स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो होंडा की गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है, उसकी टायर ग्रिप बहुत ही अच्छी है। ये देखिए गाड़ी का टायर बिल्कुल भी रोड पे अच्छी तरह से ग्रिप ग्रिप के लिए बहुत ही अच्छा है। 140 का और 70 और 17 का ग्रिप है उसका। तो ये टायर बहुत ही अच्छा है ग्रिप के लिए और लगभग गाड़ी को 40 to 45 तक माइलेज मिल जाएगा। देखते हैं कितना। डिस्क ब्रेक भी उसका बहुत ही बड़ा है, कंट्रोलिंग के लिए बहुत ही अच्छा बेहतरीन है। हेडलाइट भी काफ़ी यूनिक है, अट्रैक्टिव है, एयर फ्लो के हिसाब से बहुत ही अच्छा किया है। तो गाड़ी बहुत ही पसंद है मुझे। तो डबल सीट माइलेज चेक करते हैं। 100 ml पेट्रोल ले लिया है और कार्बोरेटर का पेट्रोल भी पूरी तरह से एंड किया है। तो हम बाइक अभी स्टार्ट करते हैं। हम डबल सीट माइलेज निकालेंगे, गाड़ी के रिस्पेक्टेड ओनर और मैं, हम दोनों जाएंगे। तो ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। माइलेज बॉटल का पाइप कार्बोरेटर को सीधा जोड़ दिया है, ये देख सकते हैं कार्बोरेटर की पाइप। और पेट्रोल टैंक की पाइप अलग की है, ध्यान में रखो दोस्तों। तो पेट्रोल पाइप बॉटल का कॉक स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम अभी ड्राइविंग स्टार्ट करते हैं। गाइस प्रैक्टिस है। गाड़ी को 5 गियर है, 5 गियर से आप बाइक चलाएंगे। गाड़ी अभी चल रही है, देखते हैं कितना पेट्रोल गाड़ी जाती है।
गाड़ियाँ अभी चल रही है, गाड़ी का रीडिंग हो गया है 1210। तो ये 160 cc पावर वाली बाइक है और हम डबल शिफ्ट माइलेज का निकाल रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। गाड़ी का ग्रिप बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है गाड़ी, गाड़ी स्ट्रांग है, चलाने में बहुत अच्छी है। दोस्तों 100 ml पेट्रोल हमारा एंड हो गया है, तो देखते हैं कितनी रीडिंग मिल गई। तो हमारे होंडा हॉर्नेट का पेट्रोल 100 ml जो हमने लिया था माइलेज के लिए, वो पूरा खत्म हो गया है। तो डबल सीट हम आए तो गाड़ी का रीडिंग देखते हैं कितना हो गया। तो गाड़ी का रीडिंग देख सकते हो आप, अभी गाड़ी का रीडिंग है 1211। तो लगभग 4 किलोमीटर गाड़ी आ गई है। तो देखो 4 किलोमीटर 100 ml पे गाड़ी डबल सीट आई, 100 ml पेट्रोल पे 60 के स्पीड से 4 किलोमीटर गाड़ी आ गई। तो अभी ये गाड़ी नई है, अभी तो फर्स्ट सर्विस किया है, धीरे धीरे सर्विसिंग बढ़ेगी तो 50 to 55 तक माइलेज डेफिनेटली जाएगा इसका। तो अभी 40 मिल रहा है, तो अच्छा माइलेज है, सेकंड थर्ड सर्विसिंग के बाद में बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहेगा गाड़ी का। तो कस्टमर का फीडबैक भी मुझे बहुत कस्टमर्स का आ गया है कि जो हॉर्नेट यूज़ करते हैं उनका 50-55 दरमियान माइलेज मिलता है। तो अच्छी बाइक है, 160 cc है, ट्यूबलेस टायर है। तो देखिए माइलेज टेस्टिंग खत्म हो गई है, अब मैं माइलेज बॉटल का पेट्रोल पाइप निकालता हूँ। तो निकाल लिया है, अब मैं पेट्रोल टैंक का पाइप जोड़ देता हूँ। हाँ बस, तो पेट्रोल पाइप फिट कर दी है, कार्बोरेटर के वहाँ से निकल गई। तो इसका माइलेज टेस्टिंग ख़त्म हो गया है। तो थैंक दोस्तों, देखिए और आपको माइलेज के बारे में हॉर्नेट का डिटेल इसमें वीडियो में मिल जाएगी।